घर आए परौने नूं बहुत इज्जत देनी चाहिए, उन्हें मान सम्मान सारा कुछ देना चाहिए। तो जे घर आया परौना तुहाडा घर मल के बह जाए तो तुहानूं बाहर कढ दे, फिर तुसीं इज्जत दोगे उन्हें? अपने ईमान नाल अपने धर्म नाल दसना, क्या तुसीं फिर भी उन्हें परौने नूं इज्जत दवोगे? नहीं दवोगे, कदी भी नहीं दवोगे। इहो ही हाल है वे कि जिहड़ा सानूं कहा जांदा है कि पंजाबी जिहड़े ने इह परौणियां नूं इज्जत नहीं इन्नी देंदे, हाँ जी मेहमान नवाज नहीं। वो खुदा दे बंदे हो, पंजाबियों तो वड्डा दुनिया का किहड़ा मेहमान नवाज है कि जिहड़ा अपना घर ही सारा परौने नूं देता उन्हें, तो वह ही परौने उन्हें कढ़न नूं फिरदे ने। नहीं ना समझ आई, समझाना हुण। तुसीं जिहड़ा परौना है ना उहनूं तुसीं समझो उर्दू, तो या फिर जिहड़े चढ़दे पंजाब वाले उहनूं हिंदी जबान समझ लैण। तो घर जिहड़ा तुहाडा उह तुहाडा पंजाब है, ठीक है। जिहड़े घर वाले जी ने सारे उह तुहाडी जबान है पंजाबी। हुण तुसीं जिहड़े घर वाले हो ना, ये तुसीं बाहरली जिहड़ी जबान है उहनूं परौणी जिहड़ी है उह वे तुहाडी जबान पंजाब उर्दू या हिंदी उन्हों तुसी घर विच लैंदा। तुसी चाहते हो कि तुहाडे बच्चे जिहड़े ने ना वह पंजाबी ना बोलन, जिहड़ी बाहर वाली जिहड़ी एक परौणी जबान है वह बोलन, हाँ जी। यानी कि तुहानू ये समझो कि इन्नी नफरत हो रही है अपनी जबान नाल, ते तुसी उन्हों घर वाली बनाना चाहते, जिहड़ी घर वाली उन्हों तुसी बाहर कढ दिता। इस तो वड्डा लम्हा फिक्रिया की है साडे वास्ते, साडे पंजाबियों वास्ते। देखो दुनिया की हर जबान सीखो, कोई मना नहीं, सीखनी भी चाहिए दुनिया की हर जबान, चाहे वह अरबी है, फारसी है, जर्मन है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, पश्तो है, सिंधी है, फिर जनाबे वाली पंजाबी है। दुनिया की हर जबान जी खुदा की बनाई जबान, उसकी असी इज्जत करने, आदर करने, कदर करने असी। लेकिन यदा मतलब यह नहीं कि असी अपनी अपनी जबान छड़ के तो उन्होंने अपने घर च वाल लीए तो अपने घर वाला उन्होंने बना दईए तो आप जो असी बाहर निकल जाइए। गुरदास मान जी होरां ने बहुत सोहना आख्या जी, उन्हें आख्या कि हर जबान सीखो, सीखनी भी चाहिए पर किसी की पक्की वेख के अपनी कच्ची न टाओ, हाँ जी। कि तुसी दूसरिया जबाना वेख के ना उन्हें घर में राइज ना कर लवो। यदा मतलब यह होंगे कि अगर तुहानू अपने पुरखों की, अपने बजुर्गों की, अपने माँ प्यो की, अपने दादियां पड़दादियां की जबान चंगी नहीं लगती तो बेगानिया जबाना तुहानू चंगियां लगदियां। यानी कि असी अगर यह सोचा जाए, ऐसे नज़रिए अपने जेहन च रखो। तुम एक मिसाल देना मैं कि तुम ये चाहते हो कि जो मंग के कपड़े पाए ने उसकी इज्जत होंगी है, है कि मंग के किसी को कपड़े पा के विआह बंदा जिवें टुर जाता है तो यह मतलब वो इज्जत नहीं, वह नहीं इज्जत होंगी। इज्जत वह होंगी अगर तुहाडे अपने जिहो जे भी है ना पाटे पुराने जिवें दे भी है वो तुम पाए होणगे, तुहाडा सीना चौड़ा रहेगा, एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होवोगे, तुहानू पता होगा यार साडे अपने ने। तो जे बेगाने होंदे किसी ने शादी विआह ते पा के गए हो, शो पे मार दियो, उत्थे किसी ताना मारता, पाए तो मंग के नहीं, फिर की पल्ले रह जू। दुन इस करके असी कहने अपनी जबान नाल जिहड़ी तुहाडी पुरखां दी, बजुर्गां दी, वड वडेरियां दी जबान है, इहनू इहदी कदर करो, इज्जत दिओ इहनू। जे तुसी घर वाले इज्जत नहीं दोगे तो बाहर वाले कित्थों इज्जत देणगे? उन्हां दा दिमाग खराब है तुहानू इज्जत देण? हैं ओ पंजाबीओ, होश दे नाखन लवो। असी तो मंग करने हकूमत अगे भी कि जिमें साढ़े दूसरे सूबों में सिंध है, पख्तूनखा है, फिर जनाबे वाली बलोचिस्तान है, जिथे उन्हां सारियां उन्हां दी सारियां किताबां जिहड़ियां ने उन्हां दी अपनी जबान च, पश्तो च, बलोची च, सिंधी च पढ़ाईयां जांदियां ने, लिखियां ही उस जबान विच ने। इसे तरह असी हकूमत नूं आने आ कि साडी भी पंजाब विच भी जिहड़ियां साडियां सारियां किताबां जिहड़ियां ने उह पंजाबी जबान च लिखियां होणियां चाहीदियां ने, ताकि साडे बच्चों भी पता लगे कि साडी जबान है, साडे वड वडेरियां दी बोली है, साडी मां बोली है। जिहड़ी मतालिया पाकिस्तान उर्दू च कर लवो जिवें दूजे सूबे में चलती है, हाँ जी। हर्ज की है ये, अगर असी अपनी जबान च गल करांगे, कोई गल सानू अपनी जबान च समझाएगा असी छेती समझांगे, लेकिन नहीं इस पासे तवज्जो ही किसी की कोई नहीं। जिन्हां नूं असीं नुमाइंदियां नूं मुंतखिब करके वोटां पा के पंजाबी लोग असैंबली च भेजने आ, उह इस जबान वास्ते कुछ नहीं करदे, असीं किधे गरोईए जाके। तुहाडे नाल गल करन दा मकसद इह जो मेरे दिल विच आई है, क्योंकि असीं जदों शहरां च जाइए ना तो यकीन करो कि असीं किसी दुकान ते चल जाइए तो कोशिश हुंदी यार कि पंजाबी ना बोलीए, सानूं कहेगा पेंडू आ गया, जाहिल आ गए, सानूं नाम ही ना हुंदी हो, असीं रो तो के उर्दू जरूर बोलनी। यार उर्दू बोलना की बंदा बड़ा पढ़िया लिखा साबित हो जाएगा? अकल को कम लवो, अपने घर में अपने बच्चों नूं पंजाबी बोलना सिखाया करो, हर वेले उर्दू या हिंदी दे जबाना ते ना लगे रहो, जिथे जरूरत ही उथे जरूर बोलो, तुसी सीखो, असी मना नहीं करते।
सीखनिया चाहिए ने। हजार बारी पहले भी मैं कह चुकिया लेकिन अपनी जबान इज्जत दियो। जे तुसी इज्जत दोगे तो बार वाले इज्जत देंगे तो तुहाडी भी इज्जत होएगी, तुहाडे वड्डे वड्डे इन्हां दी पिछलियां दी इज्जत होएगी कि उन्हां दी बोली है। हुण मैनू बेशुमार लोग ऐसे ने कि जिहड़े कहिंदे ने यार क्योंकि असी अपने वेखो पंजाब चैनल ते इस यूट्यूब दे चैनल ते असी इहदे विच टोटके रेमेडीज सारा कुछ जिहड़ा ना नुस्खे तुहानू शेयर भी करी दे ने, फिर तुहानू गुरद्वारे मंदिर दरबार मस्जिदां फिर पुराने बजुर्गां नाल पार्टीशन स्टोरीज भी हर चीज़ कवर करन दी कोशिश करनी आ असी हकीर जी कोशिश निक्की जी कोशिश करने पे हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहिंदे ने यार तुसी उर्दू च काम करो, मैं क्या भाई उर्दू च हज़ारा लोग काम कर रहे हैं, मैनू किसी तो कोई गिला एतराज नहीं, लेकिन मैं इस धरती का पुत्र हाँ, मैं चाहना वा बेशक मैनू व्यूज नहीं आते कुछ नहीं आता ना आए, लेकिन मैं अपनी मादरी जबान च ही काम करांगा। हालांकि बहुत सारे साढ़े इधर के इस इलाके के सियालकोट के इलाके के भी मशहूर यूट्यूबर ने जिहड़े कि उर्दू च काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उर्दू जिहड़ा वह बंगलादेश इंडिया विच पाकिस्तान सारे विच बोलिया जाता, वड्डा प्लेटफॉर्म उन्होंने मिल जाता है, चलो उन्होंने डॉलर चंगे मिलते हैं व्यूज चंगे मिलते हैं, पे करन पर करते हैं, मैं नहीं मना करता, लेकिन मैं अपनी जिहड़ी मां बोली जबान पंजाबी जी काम करांगा। असी अपनी जबान नूं इज्जत देनी है, बाकियां दा सानूं नहीं पता। हर बंदा मैं ये मैसेज भी दवांगा कि हर बंदा चाहे वह किसी भी कौम नाल कबीले नाल तल्लक है, किसी भी सूबे की जबान नाल तल्लक है, वह अपनी जबान च काम करे, वह अपनी जबान नूं इज्जत दे बजाय इस दे कि जिहड़ियां तुहाडे ते थोपियां गईयां उस जबानां विच तुसी काम करो। फिर कई लोग लालच में आ जाते हैं, मैं पहले गल की है कि वड्डे यूट्यूबर ने जिहड़ियां अपनियां जबानां ते उन्हां कदी एक वीडियो तक नहीं बनाई, सिर्फ की है कि पंजाबी बोलांगे सिर्फ पंजाबी लोग सानूं सुणनगे वेखणगे, उर्दू बोलांगे तो जनाबे पूरा बरेसगीर सानूं वेखेगा, व्यू चंगे आउणगे डालर आउणगे, पैसे कमाओ जिहड़े कमांदे हो, सानूं थोड़े भी मंजूर ने अल्लाह दा शुक्र है, लेकिन कम असी अपनी जबान च करांगे ताकि कल नूं साडे बच्चे कहण कि साडे प्यो ने अपनी जिहड़ी मां बोली जबान इहदे च वीडियोज़ कीतियां ने, फखर महसूस करनगे। सिर्फ पैसे पिछे दौड़ना नहीं चाहिए, कुछ अपनी नस्लों नूं अपनी जिहड़े पिछोकड़ां नाल मिला के भी जाओ रला के भी जाओ उन्हां नाल, फिर मज़ा आउंदा। बस है कुछ गल्लां ने जिहड़ियां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां ने, मैं उम्मीद करना तुसी मेरी गल नूं जिहड़ा ना समझोगे, अपने घर विच अगर तुसी पंजाबी हो तो पंजाबी नूं इज्जत दिओ, अपने बच्चों नूं पंजाबी सिखाओ, बाहर स्कूलों चो जिथे भी जाके पढ़ते ने वह उर्दू बोलन इंग्लिश बोलन फारसी अरबी जो मर्जी बोलन, लेकिन तुसी जे अगर तुसी पंजाबी हो तो अपने घर विच अपने बच्चों नूं पंजाबी जरूर सिखाओ ताकि वह ना होए कि अपनी जबान भुल जाण। तो तुहानू पता है कि सब तो पहले जिहड़ी कोई कौम मरदी है ना सब तो पहले उहदी जबान मरदी है, उहदी जबान तो नफरत सिखाई जाती है। मैं सब माँ प्यो नूं कहिंदा वां कि अपनी जबान नाल अपने बच्चों नूं जिहड़ा ना मुहब्बत करनी सिखाओ, नफरत ना सिखाओ, नहीं तो कल नूं तुहाडे बच्चे यही गल कहणगे कि साढ़े जिहड़े प्यो दादे सन सारे जाहल गवार ही सन अनपढ़ ही सन। तो पंजाबी जिहड़ी है ना ये वड्डे सूफी शुआरा की जबान है, जिहड़े कि सूफी बजुर्ग होए ने उहनां दी जबान है, जिवें बाबा फरीद होए सुल्तान बाहू सरकार होए बाबा बुले शाह सरकार होए पीर वारस शाह सरकार होए बाबा गुरु नानक होए, वड्डियां हस्तियां दी जबान जिहड़ी पंजाबी है, ये इज्जत वाली जबान सी, ये कदर वाली जबान सी, ये मुहब्बतां वंडन वाली जबान सी, लेकिन अज असी पंजाबी हो गए इहदे तों एक नफरत सिखा रहे अपनी औलादां नूं, इस तों वड्डा जिहड़ा लम्हा फिक्रिया की हो सकदा। सानू अपने गिरेबाना च मूँह पा के वेखना चाहिए, सोचना चाहिए असी करन की रहे अपनी जबान दे नाल। ते जांदिया फिर कहांगा कि मंग के पाई चीज़ की इज्जत नहीं हुंदी, हमेशा अपनी शायद इज्जत हुंदी है, ते अपने बच्चों नूं जरूर इस जबान नाल मुहब्बत करनी सिखाओ, जे दिल मन्ने ते अगे शेयर जरूर करना, ते जिउंदे वास्ते रहो, रब राखा जी।